नमस्कार किसान साथियों, ये जो आप धान का फील्ड देख पा रहे हैं ये हमारे पड़ोसी किसान का फील्ड है और इन्होंने अपने खेत में खरपतवार नाशी का प्रयोग किया था, हर्बिसाइड का। और इसमें इन्होंने बिस्पायरीबेक सोडियम जो 10% का जो आता है उसी का प्रयोग किया था। बिस्पायरीबेक सोडियम मतलब नामनी गोल्ड या तो तलवार या यही सब नाम से मार्केटों में मिल जाता है। इन्होंने क्या किया था अपने फसल में बिस्पायरीबेक सोडियम का खरपतवार को सफाया करने के लिए डाला हुआ था। अब इन्होंने इस खेत पूरी तरह से जल चुकी है, अब ये पूरी तरह से मर गई है और बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इन्होंने गलतियां क्या क्या की है, ये गलती आप ना करें, इस पे मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ और सावधानियाँ बता रहा हूँ, इनकी गलतियों को बता रहा हूँ। ये गलतियाँ आपको नहीं दोहराना है। साथ साथियों, चैनल में नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब इन्होंने क्या किया था, बिस्पायरीबेक सोडियम का छिड़काव कर दिया था। अब बिस्पायरीबेक सोडियम जो दवा आती है उसको धान की फसल में या तो बुआई की आप सीधी बिजाई कर रहे हैं या रोपाई कर रहे हैं, रोपाई के 7 से 8 दिन जैसे धान की फसल आपकी 20 से 25 दिन की अवस्था की हो जाए तब इस दवा का छिड़काव करना चाहिए। इन्होंने क्या किया था, 10 से 12 ही दिनों में अपने धान में इस दवा का छिड़काव कर दिया था। दूसरी गलती इन्होंने यह किया था कि फसल में हमेशा उचित नमी में ही दवा का छिड़काव करना चाहिए और तथा 48 घंटे के पश्चात आपको सिंचाई के लिए उपयुक्त साधन भी होना चाहिए क्योंकि पानी देना फसल को बहुत आवश्यकता होती है। तो इन्होंने क्या किया था, खेत को अपना पूरी तरह से सुखा दिया था, उसके बाद अपने खेत में इन्होंने दवा का छिड़काव किया था। उसके बाद इसमें पानी का उचित साधन ना हो पाया और इसलिए पूरा जो खेत है वो नुकसान हो गया सूखे में और धूप में। और कभी भी दवा का जो हम जो खरपतवार नाशी दवा का जो छिड़काव करते हैं कभी भी हमको धूप में नहीं करना चाहिए, या तो सुबह का टाइम करना चाहिए, शाम को टाइम करना चाहिए। धूप में करने से धान की जो फसल है उसको रिएक्शन करती है दवा, तो ये सावधानियाँ आप ज़रूर बरतें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।